Hello friends, today I am here to teach you a topic, that is merits of internal sources. Okay, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ को हम दो तरीके से अपॉइंट करते हैं. ओके, देखिए ये सर्कल है, आप देख सकते हैं. सपोज आप एज्यूम कीजिए कि ये सर्कल एक इंडस्ट्री है. ओके, यहाँ मैंने लिखा है आई और यहाँ मैंने लिखा है ई. आप ये एज्यूम कीजिए कि आई का मतलब होता है इंटरनल सोर्स और ई का मतलब होता है एक्सटर्नल सोर्स. यानी हम एम्प्लॉयज को दो तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं, आइदर विद इन द इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और कई बार हम एम्प्लॉयज को करते हैं बाहर से भी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, बट टुडे आई विल टीच यू फर्स्ट द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एडवांटेजेस, विच इज कॉल्ड एज मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट विच इज रिटन हियर, अ चेन ऑफ प्रमोशन इज क्रिएटेड विच हेल्प्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज. इस पॉइंट को मैं एक बार आपको एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ. अ चेन ऑफ प्रमोशन इज क्रिएटेड, इस लाइन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? देखिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज एक इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री का मैं मैनेजर हूँ. मेरे इंडस्ट्री में सपोज 10,000 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं. मैंने सभी 10,000 एम्प्लॉयज को ये कह दिया है कि भाई साहब मैं अपने इंडस्ट्री के अंदर चाहता हूँ कि हर एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिले, हर एम्प्लॉयज़ को उनकी मेहनत का रिवॉर्ड मिले. इसलिए मैं आज से क्या कर रहा हूँ, आज से एक प्रमोशन पॉलिसी बना रहा हूँ. और ये पॉलिसी कह रही है कि कोई एम्प्लॉयज़ अगर मेहनत करेगा उसे प्रमोशन मिलेगी. प्रमोशन मिलेगी मतलब उसका स्टेटस बढ़ेगा, यानी लोअर जॉब से हायर जॉब में उसको शिफ्ट करूंगा, उसकी पेमेंट भी बढ़ेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी. तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, जो 10,000 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे. वो सोचेंगे हमारे मैनेजर हमारे लिए इतना अच्छा कर रहा है तो हम क्यों नहीं काम करें. यानी कहीं ना कहीं वो क्या होंगे, दे विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड 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 एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इफ एम्प्लॉयज विल वर्क हार्ड दे विल प्रोड्यूस मोर आउटपुट. दैट मीन्स अ चेन ऑफ प्रमोशन क्या कहता है, विल मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू वर्क हार्ड एंड विल पुश देम टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ आउटपुट. सेकेंड पॉइंट नंबर टू, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट बिकम्स ईजियर. ये भी आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. मान लीजिए मैं एक क्लास का क्लास टीचर हूँ, 12th A का. अब मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं. कल को प्रिंसिपल सर मेरे को बोले कि सर आप अपनी क्लास में जाइए और अपनी क्लास से एक मॉनिटर और एक वाइस मॉनिटर को अपॉइंट कीजिए. तो बींग ए क्लास टीचर मैं क्या करूँगा, एक मॉनिटर को भी अपॉइंट कर लूँगा और एक वाइस मॉनिटर को भी अपॉइंट कर लूँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान होता है. इसका एक रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि हम क्लास में रोज़ जाते हैं, डे टू डे बेसिस पे अपने स्टूडेंट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. इसलिए हमें क्या होता है, हमें हर स्टूडेंट का नेचर पता होता है. इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है. क्या आसान हो जाता है, सिलेक्ट करना एंड प्लेसमेंट देना. ठीक उसी प्रकार एक मैनेजर अगर इंडस्ट्री में रोज काम करता है और अपने वर्कर से काम करवाता है तो उसे अपने एम्प्लॉयज का नेचर बहुत अच्छे से पता होता है. इसलिए क्या होता है, उस मैनेजर के लिए सिलेक्शन करना एंड प्लेसमेंट करना बहुत आसान हो जाता है. इट मीन्स इट इज ईजी टू सिलेक्ट एंड प्लेस द एम्प्लॉयज बिकॉज वी नो द नेचर ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स द पॉइंट नंबर टू. थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग विच हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू अप्लाई फॉर हायर पोस्ट. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने तीन वर्ड को अंडरलाइन किया, टूल ऑफ ट्रेनिंग. ट्रांसफर को एक टूल माना जाता है, ट्रेनिंग का एक टूल क्यों माना जाता है, पहले आपको मैं ये एक एग्जाम्पल देके समझाना पसंद करूँगा. सपोज मेरे इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज आते मेरे पास और बोलते कि सर हमें काम सीखना है. बोलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आइए आप. फिर मैंने उनसे पूछा कि किस टाइप का काम सीखना है. उन्होंने मेरे को बोला कि सर जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी इच्छा, आप उस डिपार्टमेंट में डालिए. बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, इस साल आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाइए और वहाँ काम कीजिए. सब एम्प्लॉयज़ गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, एक साल के अंदर काम सीख लिया, परफेक्ट हो गए. वापस आते हैं नेक्स्ट ईयर, आके बोलते हैं कि सर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम बहुत अच्छे से सीख लिया, आपको धन्यवाद.
अब हमें नया काम सिखाइए। तो नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला ठीक है भैया आप जाइए फाइनेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कीजिए। बोला ठीक है सर। एक साल के अंदर वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया और वापस वो क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए, काम पूरा सीख लिया। वापस मेरे पास आते हैं, वापस नेक्स्ट ईयर बोलते हैं कि सर हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपने सिखा दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी काम सिखा दिया, अब एक काम कीजिए हमें नया काम सिखाइए। बोला ठीक है कोई भैया कोई बात नहीं भाई साहब, एक काम कीजिए अब आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाइए और वहाँ काम सीखिए। इसका मतलब इस पोस्ट पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ को वैराइटीज़ ऑफ वर्क्स सिखा रहा हूँ। इसका मतलब फर्स्ट दे लर्न हाउ टू डू द वर्क इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नेक्स्ट दे लर्न हाउ टू डू द वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, नेक्स्ट दे लर्न हाउ टू डू द वर्क इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इट मीन्स दे आर ऑल गेटिंग द नॉलेज इन वाइडर एरियाज। इसका मतलब अगर कोई एम्प्लॉयज ऊपर उठना चाहता है तो नेचुरल सी बात है हायर पोस्ट के लिए वाइड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब हम एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करते जाएंगे। दैट्स वाई वी से ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज वी गिव द एम्प्लॉयज द वाइड नॉलेज एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इफ एम्प्लॉयज विल गेट द वाइडर नॉलेज दे कैन इजिली अप्लाई फॉर द हायर पोस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इंटरनल सोर्स इज द चीपेस्ट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीपेस्ट मेथड। वापस एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने देखा कि वह एम्प्लॉय जिसको मैं अपॉइंट करना चाहता हूँ ऑलरेडी मेरे इंडस्ट्री के अंदर है, यानी उस इंसान के अंदर वो एबिलिटी है, देन वाई शुड आई गो एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आउटसाइड। नेचुरल सी बात है, अगर मेरे को एम्प्लॉयज़ अंदर डिपार्टमेंट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर ही मिल जाएंगे तो वाई शुड आई गो एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आउटसाइड। तो एक फ़ायदा और भी है ना कि मैं अगर अंदर से अपॉइंट करूँगा दैट मीन्स आई डोंट हैव टू गिव द एडवर्टीजमेंट, आई डोंट हैव टू गो एंड कंडक्ट द इंटरव्यू। ना मैं एडवर्टीजमेंट दूंगा ना ही मैं इंटरव्यू लूँगा। तो ये जो दोनों खर्चा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इंटरव्यू एक्सपेंसेस, ये क्या है मेरी तरफ से देखा जाए तो मैं सेव कर ले रहा हूँ। That's why we say that internal source is the cheapest method, because we don't have to give the advertisement. Thereby, what we are doing, we are also trying to save the advertisement expenses. Next, last point. It helps to shift employees from surplus department to that department where employees are less in number. Again, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, सरप्लस डिपार्टमेंट, लास्ट वन लेस इन नंबर। इसको वापस मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए मैं 12th ए का क्लास टीचर हूँ, ओके, मेरी क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और 12th बी के अंदर 110 स्टूडेंट है। इसका मतलब मेरी क्लास में 100, 12th बी में 110, तो यानी मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट ऑलरेडी कम है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि भाई दोनों को इक्वल करना है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर एक काम कीजिए जिस क्लास में 10 स्टूडेंट ज़्यादा है वहाँ से उठाइए और आप अपनी क्लास में 5 स्टूडेंट को लेके चले जाइए। इसका मतलब जैसे मैंने 12th बी से 5 स्टूडेंट को शिफ्ट किया 12th ए में, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ हो गई कितनी, 105। इसका मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी कैन शिफ्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉयज आर लार्ज इन नंबर टू दैट डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉयज आर लेस इन नंबर। एंड इट इज ओनली पॉसिबल स्पेशली ओनली इन द केस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो दैट्स अ लास्ट पॉइंट, दैट मीन्स इट हेल्प्स टू शिफ्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम सरप्लस department to that department where employees are less in number. Now, in this topic I will teach you demerits of internal sources. Okay? Now, here you can see the first point, it prohibits the entry of new blood. Prohibit ka matlab rokna. Entry of new blood. Iska matlab kya hota? Dekhiye. अगर मैं इंडस्ट्री के अंदर सभी एम्प्लॉयज़ को अगर अंदर से ही जॉब देना चालू कर दूंगा, ओके, और बाहर से एम्प्लॉयज़ को
अपने इंडस्ट्री में आने का मौका ही नहीं दूंगा। तो नेचुरल सी बात है, जो बाहर जो लोग इतने वेट कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए, उनको जॉब कहाँ से मिलेगी। इसका मतलब व्हाट एम आई डूइंग हियर, आई एम ट्राइंग टू स्टॉप द एम्प्लॉइज़ दोस आर सिटिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। क्वेश्चन इज वाई, बिकॉज आई एम गिविंग मोर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉइज़ दोस आर ऑलरेडी वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो पॉइंट नंबर वन क्या कहता है, इट प्रोहिबिट द एंट्री ऑफ न्यू ब्लड, यानी नए आदमियों को बाहर से आ करके मेरे इंडस्ट्री में जॉब करने का जो मौका होता है वो मैं उन्हें नहीं दे रहा। दैट्स अ पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, कंटिन्यूस ट्रांसफर रिड्यूसेस कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप पॉइंट सेकेंड और पॉइंट थर्ड दोनों को एक साथ लेके चलिए, सिंपल रहेगा समझने में। थर्ड पॉइंट ऑल्सो सी इट्स सेम, कंटिन्यूस ट्रांसफर रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट इट इज लुकिंग सेम, ओनली देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इज देयर। कंटिन्यूस ट्रांसफर रिड्यूसेस कंपटीशन एंड प्रोडक्टिविटी अमंग द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरी इंडस्ट्री है, ओके मेरी इंडस्ट्री बहुत शानदार चल रही है और इस वजह से मैंने क्या किया, अपने इंडस्ट्री का एक ब्रांच और खोल दिया। मान लीजिए मैं ऑलरेडी एक इंडस्ट्री चला रहा था चेन्नई के अंदर, बहुत अच्छी चल रही है मेरी इंडस्ट्री, फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक इंडस्ट्री का ब्रांच मान लीजिए बीकानेर ऑफ राजस्थान में खोला जाए। तो मैंने क्या किया, एक ब्रांच बीकानेर में खोल दिया राजस्थान के अंदर, ठीक है। फिर मैंने देखा कि राजस्थान के अंदर अगर मैं इंडस्ट्री चलाना चाहता हूँ तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि कुछ एम्प्लॉई जो मेरे पास ऑलरेडी चेन्नई में वर्क कर रहे हैं मेरी इंडस्ट्री में, मैं उनको क्या करूँ, वहाँ शिफ्ट कर दूँ, जो अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, अगर मैं अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपने इंडस्ट्री से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री से उठा करके शिफ्ट कर रहा हूँ ब्रांच के अंदर, एक दो तीन टेन फिफ्टीन यानी अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ क्या कर रहा हूँ मैं ब्रांच के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, मेरी इंडस्ट्री का जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं चेन्नई के अंदर, वो एम्प्लॉयज़ के अंदर आपस में क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। क्यों, कंपटीशन कम होने का रीज़न क्या है, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को तो मैंने शिफ्ट कर दिया, तो जो हल्के एम्प्लॉयज़ है यानी जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी काम करने की एबिलिटी अगर कंपेयर करें उनके साथ जिनको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ उनके साथ अगर कंपेयर करें तो थोड़ी कम है। इसका मतलब नेचुरल सी बात है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है ये तो ह्यूमन बींग का, कि आपस में एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयज़ को मैं लगातार शिफ्ट करूँगा तो एक नुकसान और भी है, मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ अगर ब्रांच में शिफ्ट हो जाएंगे तो उस इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ट्रांसफ़र का दो डीमेरिट सबसे बड़ा क्या है, कि लगातार अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे एम्प्लॉयज़ को तो कंपटीशन आपस में क्या होगा, कम हो जाएगा। और सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, अगर लगातार हम ट्रांसफ़र करेंगे एम्प्लॉयज़ को तो प्रोडक्टिविटी लेवल वो भी क्या होगा इंडस्ट्री में, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके नाउ पॉइंट नंबर फोर, ऑल एम्प्लॉयज़ कैनॉट बी अपॉइंटेड इंटरनली स्पेशली वेन न्यू ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने एक इंडस्ट्री खोली है नई इंडस्ट्री, ओके अब आपको एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने हैं, तो नेचुरल सी बात है भाई नई इंडस्ट्री में इतने एम्प्लॉयज़ आप कहाँ से लेके आ पाएंगे, नहीं लेके आ पाते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयज़ बाहर से लाने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसका मतलब इफ़ वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू इंडस्ट्री, इफ़ आर गोइंग टू ओपन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू अपॉइंट ऑल द एम्प्लॉयज़ इंटरनली, समहाउ वी हैव टू गो एंड अपॉइंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फाइव, टाइम बाउंड प्रमोशन मेक्स एन एम्प्लॉय लिथार्जिक। लिथार्जिक मतलब लेजी। एग्जाम्पल देता हूँ वापस, मान लीजिए मेरे पास एक एम्प्लॉय है जो मेरे इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। मैंने अपने एम्प्लॉय को कह दिया कि भैया आपने इस साल बहुत मेहनत करी है और आपकी मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ, चलिए एक काम कीजिए आफ्टर सिक्स मंथ मैं आपकी प्रमोशन करने वाला हूँ, और ये रहा आपका प्रमोशन लेटर, मैंने उनको दिखा के उनकी फाइल में डाल दिया।
तो मैंने क्या किया, एक तब से उस एम्प्लॉय को प्रॉमिस कर दिया कि विद इन सिक्स मंथ यू आर गोइंग टू गेट अ प्रमोशन। तो नेचुरल सी बात है, ये तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है आदमी का, कि अगर हमने आदमी को पहले बता दिया कि आपको प्रमोशन मिलने वाली है सिक्स मंथ के आफ्टर, सिक्स मंथ के बाद, तो आदमी क्यों मेहनत करेगा। यानी टाइम बाउंड प्रमोशन, यानी समय के पहले अगर हम आदमी को बता देंगे कि आपको प्रमोशन मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, लिथार्जिक हो गया, यानी लेजी हो जाएगा और धीरे धीरे वो कम काम करना चालू कर देगा इंडस्ट्री के अंदर। ओके, सो अल्टीमेटली इसका ड्रॉबैक क्या है, हमारी इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी लेवल भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो अ बिगेस्ट ड्रॉबैक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू।